हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक प्रोग्रामिंग चैनल। गाइज मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से यूज किए जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन जैसे नाम से पता चलता है, दो चीजों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कंपेयर करने का मतलब होगा कि देखेगा कि क्या ये इसके इक्वल है, क्या इससे बड़ा है, क्या इससे बड़ा या छोटा है, कुछ इस तरीके के। जैसे आपने लेस देन इक्वल्स टू छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे तो कुछ इसी तरीके का लॉजिक हम यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा, आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स देगा। मतलब जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं और एक नंबर देते हैं। ये क्या करेगा, दो नंबर्स के अंदर कंपेरिजन करेगा और ट्रू फॉल्स देगा, यानी कंपेरिजन में ये ट्रू है या फॉल्स है। तब आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करने वाले हैं। और सबसे पहला है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू दो चीजें, दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स, क्या उनकी वैल्यूज इक्वल है, ये आपको कंपेरिजन ऑपरेटर में इक्वल्स टू इक्वल्स टू चेक करवा कर दे सकता है। नॉट इक्वल्स टू यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल्स टू दोनों इक्वल नहीं है। तो एग्जाम्पल में मैं आपको बोलूँ कि टू और टू दोनों इक्वल है, टू और थ्री दोनों नॉट इक्वल है, तो इस केस में हम लोग नॉट इक्वल यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, क्या एक्स वाई से बड़ा है। लेस देन, क्या एक्स वाई से छोटा है। इस केस में ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, हाँ छोटा है या हाँ बड़ा है, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की। इसका मतलब या तो बड़ा हो या उसके इक्वल हो। जैसे मैं बात करूं कि 8 इक्वल्स टू 8 तो इक्वल भी है, इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रू आएगा। और 9 इज ग्रेटर देन 8, ये भी ट्रू है, तो दोनों चीजें ट्रू हो जाएगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। और फिर बात करेंगे लेस देन और इक्वल्स टू की, तो क्या ये इससे छोटा है या इसके इक्वल है, कौन किससे छोटा है, क्या एक्स वाई से छोटा है या वाई के इक्वल है, ये आप चेक करवा सकते हो। तो अब बात करते हैं हम लोग सीधा इसको इंप्लीमेंटेशन की। तो एक्स वाई मैंने पहले से बना रखे हैं, मैंने यहाँ पर एक डॉट आर ई एस डॉलर आर ई एस बना रखा है और उसके अंदर मैं इनर एच टी एम एल से जेड की वैल्यू डलवाऊंगा और जेड में मैं क्या स्टोर करूंगा, इनके कंपेरिजन। तो गाइज अगर आपने ये नहीं देखा हो कि किस तरीके से हम लोग किसी एलिमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया है कि हाउ टू पुट एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम एच टी एम एल एलिमेंट्स, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उससे आपको ये इजिली क्लियर हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं z इज इक्वल टू सबसे पहले इक्वल्स टू ऑपरेटर की। तो x इज इक्वल टू y, ये क्या करेगा, x और y को कंपेयर करेगा और उनका जो भी रिजल्ट है वो z में डाल देगा। x और y को कंपेयर करेगा, क्या x y के इक्वल है, तो ट्रू या फॉल्स किस में डालेगा, z में डाल देगा। और z को हम लोग बाद में कहां पर दिखा देंगे, res में दिखा देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके और आप देख सकते हो फॉल्स। इट मीन्स क्या है, फॉल्स का मतलब नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं तब ये क्या देगा मुझे, तब ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि मैंने दोनों को क्या कर दिया, 18 कर दिया। अब बात करते हैं नॉट इक्वल्स टू की। तो नॉट इक्वल्स टू 18 और 18 इक्वल्स टू है, बट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू में क्या बोलेगा, फॉल्स, मतलब जो आप चेक कर रहे हो वो नहीं है, जो आप चेक कर रहे हो वो बात नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू नहीं है, ये लोग इक्वल्स टू है। तो ट्रू और फॉल्स किस कंडीशन में देता है, ये इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इक्वल है फिर भी फॉल्स दिया इसने, नहीं, हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं क्या ये नॉट इक्वल्स टू है, तो बोल रहा है फॉल्स, इसका मतलब ये इक्वल्स टू है। अगर हम लोग इसको नॉट इक्वल्स टू करते हैं तब आपको यहां से मैं अगर नॉट इक्वल्स टू कर दूं 12 तो ये क्या कहेगा, ट्रू, हाँ ये नॉट इक्वल्स टू है। तो इस तरीके से आपको समझना है ट्रू फॉल्स को, आपको यस नो के तरीके से समझना है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की जो है ग्रेटर देन। तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्या एक्स वाई से बड़ा है, जेड को दे दो, ट्रू या फॉल्स, एक्स वाई से बड़ा होगा तो ट्रू के टाइम में हाँ बोलेगा, फॉल्स के टाइम में ना बोलेगा। तो देखते हैं क्या बोलता है, ट्रू। इट मींस, रिफ्रेश किया मैंने पेज, इट मींस क्या है, जो 18 है वो 12 से बड़ा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो 1 12 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, नहीं 1 12 से बड़ा नहीं है। फिर से वापस इसको सही कर देता हूं और बात करते हैं हम लोग लेस देन की। तो ये क्या चेक करेगा, क्या एक्स वाई से छोटा है, यस और नो में जवाब आएगा, यानी ट्रू और फॉल्स, यस मतलब ट्रू और नो मतलब फॉल्स। तो क्या एक्स वाई से छोटा है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, नहीं एक्स वाई से छोटा नहीं है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से चेक करते हैं इसको, जहां से मैं इस वैल्यू को बड़ी कर देता हूं और अभी भी चेक करेगा क्या एक्स वाई से छोटा है, तो यस एक्स वाई से छोटा है, तो ट्रू। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू की। तो लेस देन इक्वल्स टू क्या करता है, लेस देन इक्वल्स टू यहां लगाना आपको, तो क्या एक्स वाई से छोटा या उसके इक्वल है, दोनों में से कोई भी बात हो तो हाँ या ना बोल देगा। अभी देख रहे हो आप कि क्या है, x y से छोटा है, हाँ
तो ये क्या बोलेगा, ट्रू। रिफ्रेश किया मैंने पेज को, बट अगर ये इक्वल हो तब भी ट्रू देगा, क्या करेगा, इक्वल हो तब भी ट्रू देगा। बट अगर हम लोग इसको 17 कर देते तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ना एक्स वाई से छोटा है ना एक्स वाई के इक्वल है, तो इस केस में ये क्या देगा आपको, फॉल्स देगा, नहीं, फॉल्स का मतलब नो। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या एक्स वाई से बड़ा या उसके इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स वाई से बड़ा है तो ट्रू बोलेगा, अगर उसके इक्वल होगा तब भी ट्रू बोलेगा, अगर दोनों को 18 कर दूं तब भी ट्रू बोलेगा, बट अगर ये y बड़ा हो गया तब ये क्या बोलेगा, फॉल्स। तो ये है गाइज हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आप इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, रिलेशनल इसलिए क्योंकि ये इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है ट्रू और फॉल्स में। सो आई होप गाइज आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।